नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीत की तैयारी में। दोस्तों, आज की जो मैं वैकेंसी लेके आया हूँ वो है थोड़ी हटके, क्योंकि ऐसी जॉब रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलती। तो आज की जो ये वैकेंसी है वो है LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने इसका नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, पर क्या आप इसमें जॉब करना चाहते हो? और अगर करना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो? तो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल जीत की तैयारी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी नई गवर्नमेंट जॉब आएगी उसका आपको सबसे पहला पता हमारे ही चैनल से लगेगा। तो जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है जो LIC ने जारी करी है वो मैं आपके सामने खोल देता हूँ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपको पोस्ट क्या क्या मिल रही है। तो यहाँ पे आपको तीन पोस्ट मिलेंगी कि असिस्टेंट की, एसोसिएट की और असिस्टेंट मैनेजर की। ये तीन पोस्ट आपको मिलेगी। कौन एलिजिबल है इसके लिए? ऑल इंडिया कैंडिडेट इसे भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो इंडिया के, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये भरा कैसे जाएगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मतलब ऑनलाइन मोड रहेगा इसका एप्लीकेशन भरने का दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात कर रहा हूँ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दे रखा है किसने। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पे पोस्ट है वो है 150, एसोसिएट के लिए जो पोस्ट है वो है 150 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो है 100। तो टोटल पोस्ट हैं वो आपकी 300 पोस्ट हैं यहाँ पे ओवरऑल जो पोस्ट है। आगे मैं बात करता हूँ कि इसमें एक नोट भी लिख रखा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, मतलब आप सिर्फ केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल के लिए आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप ये फॉर्म भरो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब मेन बात आते हैं कि तनख्वाह कितनी मिलेगी जिसके लिए हम जॉब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट की। असिस्टेंट में जो आपकी ओवरऑल रहेगी वो रहेगी 22,257 रुपये। ठीक है, एसोसिएट की जो रहेगी वो रहेगी 33,498 रुपये। और जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी वो रहेगी 52,200 रुपये। ठीक है, ये रहेगी आपकी तनख्वाह, सैलरी जो कि आपको पे करी जाएगी आपके काम के लिए दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको सबसे पहले लिख रखा है कि नेशनलिटी आप भारतीय होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए। एज जो लिख रखी है वो सब में सेम है, 21 से लेके 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सब में अलग है, एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम असिस्टेंट की, तो इसमें जो आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट में 55% मार्क्स चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, उसमें 55% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसोसिएट में बात करते हैं, इसमें आपको ग्रेजुएशन में चाहिए 60% मार्क्स, और CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट में आप एंटर होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में आपको चाहिए 60% मार्क्स, पर जो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रेगुलर कर रखी है अपनी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इसे भर सकते हो, वरना आप इसे नहीं भर सकते। और कंप्यूटर स्किल यहाँ पे तीनों ने ही मांग रखी है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एक और है कि किस डेट के बीच भर सकते हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ कैसे कितने के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रखा है ये भी, आप एक बार इसे रीड आउट कर लेना। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ कि इसके लिए आपका टेस्ट कैसे होगा, सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है तीनों ही पोस्ट के लिए आपका एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर टेस्ट होता है आपका, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये दो पड़ाव होंगे जो आपको क्लियर करने होंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर वाला उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो देखिए जो इसमें सिलेबस है, सबसे पहले रहेगी आपकी इंग्लिश रहेगी वो रहेगी 50 मार्क्स की रहेगी, और 50 ही क्वेश्चन आएंगे 35 मिनट की। ठीक है, आगे आती है रीजनिंग, रीजनिंग का भी सेम है, और ये अगर मैथ की बात करें तो मैथ का भी सेम है। सिर्फ अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे रहेगी आपको 15 मिनट मिलेगी, 50 ही क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, ओवरऑल ये रहेगी 200 मार्क्स की आपकी ये टेस्ट रहेगा, और ड्यूरेशन जो मिलेगी आपको 2 घंटे मिलेंगी, मतलब 120 मिनट यहाँ पे आपको मिलेगी। और दोस्तों क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ भैया, नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ आप देखते हैं 0.25, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कि जो आपका ये अप्लाई कैसे होगा। तो इसका ऑनलाइन मोड है जैसे मैंने बताया है, किस वेबसाइट पे होगा ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन लोगों ने www.licehousing.com। तो ये है जो आपकी वेबसाइट रहेगी, इस पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
कब से भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, कितनी फीस रहेगी, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फीस दे रखी है तीनों पोस्टों के लिए जो है वो है 500 रुपये, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 18% आपको GST पे करना पड़ेगा 500 रुपये के ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो आगे बात करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, ये बता दूँ आपको। आगे जो है इसमें, हाँ, कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा, तो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है, 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, और कब तक चलेगा आपका ये, 6 सितंबर तक आपका ये चलेगा, ठीक है। और आपका जो टेस्ट के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आ जाएगा आपका 24 सितंबर को, ठीक है, 24 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अभी बता दिया कि बाद में आपको साइट पे बार बार जाके चेक नहीं करना पड़ेगा। और जो टेस्ट होंगे वो कब कब होंगे, 6 और 7 अक्टूबर को आपके टेस्ट हो जाएंगे, कि 6 को होगा या 7 को होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। अब भैया जो इसके सेंटर कहाँ पे रहेंगे आपके टेस्ट के लिए, आप कौन कौन से सेंटर भर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए यहाँ पे लिख रखा है हर स्टेट के लिए कि आपका कहाँ पे, जैसे छत्तीसगढ़ का है वो रायपुर में है, मध्य प्रदेश का है वो है भोपाल और इंदौर में, बिहार का है वो पटना और मुजफ्फरनगर में। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपनी स्टेट के हिसाब से उसे चेक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये PDF पढ़ना हो जो मैंने आपको बताया है LIC ने जो जारी किया है, तो मैं इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से कॉपी करके इसे डाउनलोड करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और भी जब नई वीडियो लाऊं तो आपको वो भी जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।